मुंबई में आतंकी हमले का अलर्ट, इन चीजों पर लगाई गई रोक। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक बार फिर से आतंकी हमले का अलर्ट जारी हुआ है। आतंकी खतरे को देखते हुए अलर्ट के बाद से शहर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। माना जा रहा है कि एक खुफिया एजेंसी ने इसकी जानकारी दी है। इसके बाद से चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात की जा रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार खुफिया एजेंसी द्वारा अलर्ट जारी किए जाने के बाद से ही मुंबई के सभी धार्मिक स्थलों और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुंबई में जितने स्थानों पर भी ज्यादा भीड़ लगती है वहां पुलिस जवानों की मॉक ड्रिल करवाई जाएगी। साथ ही डीसीपी अपने अपने जोन में सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देंगे। सेंट्रल एजेंसी ने आतंकी हमले को लेकर मुंबई पुलिस को अलर्ट किया है। मुंबई पुलिस सतर्क हो गई है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रही है। इस बात को देखकर सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर पुलिस का विशेष ध्यान रहेगा। इसको लेकर पुलिस की ओर से तगड़ी व्यवस्था की जा रही है। पुलिस ने बताया कि हमें भीड़ भाड़ वाले स्थानों और धार्मिक स्थलों पर मॉक ड्रिल करने के निर्देश मिले हैं। शहर के सभी डीसीपी अपने जोन में विशेष ध्यान दे रहे हैं। एक अधिकारी ने बताया कि बीते शुक्रवार को पुलिस ने मार्केट इलाके में मॉक ड्रिल की है। ये वो इलाका है जहां भारी भीड़ लगती है। इस जगह पर दो प्रमुख धार्मिक स्थल भी हैं। पुलिस ने सिक्योरिटी ड्रिल के संदर्भ में आधिकारिक तौर पर कहा कि ये एक सिक्योरिटी एक्सरसाइज था। हालांकि अचानक से ऐसा अभ्यास क्यों किया जा रहा है इसको लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। पुलिस ने आगे बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जा रही है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसके मद्देनजर अलग अलग जगहों पर झगड़े फसाद या दंगल जैसी स्थिति ना बने इसके लिए मॉक ड्रिल करवाई गई है। सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।